नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। ईद उल फितर को लेकर गुरुवार को दुगदा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक थाना अध्यक्ष कन्हैया राम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में त्यौहार के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। बैठक में चंद्रपुरा प्रखंड विकास पदाधिकारी रेणु बाला ने आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार को मनाने की अपील की। कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न होने पर इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को देने की बात कही। थाना प्रभारी कन्हैया राम ने कहा कि ईद का पर्व सिर्फ मुस्लिम समुदाय का ही नहीं बल्कि हम सभी थाना क्षेत्रवासियों का है। जिस तरह से पूर्व में चाहे हिंदू का पर्व हो, मुस्लिम का पर्व हो, सभी लोग एकजुट होकर सहयोग करते आए हैं, उसी तरह से आप लोगों से उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों की सूचना दें, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। आज आगामी ईद पर्व को लेकर थाना में शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना क्षेत्र के मुखिया एवं शांति समिति के सदस्य तथा दोनों समुदाय के व्यक्ति शामिल हुए थे, जिसमें ईद को लेकर शांति विधि व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बैठक किया और चर्चा किया। चर्चा के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा तथा किसी प्रकार का कोई बात नहीं उठाया गया या प्रकाश में नहीं आया समस्या प्रकाश में नहीं आई है। कुछ नहीं, सभी ने आश्वासन दिया है कि हम ईद पर शांतिपूर्ण तरीके से खुशनुमा माहौल में मनाएंगे। वैसा भी तो गाड़ी नहीं आया है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का जुलूस निकलता नहीं है, सामान्य है। नमाजी लोग नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उन लोगों का अपना मिलन समारोह चलता है, जिसमें एक घर से व्यक्ति दूसरे घर के आ जाते हैं, मिलन समारोह मनाते हैं। इसमें वैसा कुछ गाइडलाइन आया नहीं है फिलहाल। वी टाइम न्यूज़ के लिए चंद्रपुरा से मनमीत महतो की रिपोर्ट।